इंदरगढ़ कृषि मंडी में पल्लेदारों की हड़ताल। दतिया जिले की कृषि मंडी इंदरगढ़ में व्यापारियों एवं मंडी प्रशासन के शोषण से परेशान होकर मंडी में तौल करने वाले तुलावटी पल्लेदारों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। पल्लेदारों का कहना है कि व्यापारियों द्वारा किसानों से 20 रुपये प्रति क्विंटल तुलाई ली जाती है, जबकि तुलावटी श्रमिकों को 13 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान देते हैं। इस प्रकार व्यापारी तुलावटी पल्लेदारों के नाम से बीच में ही 7 रुपये प्रति क्विंटल पैसा खा जाते हैं। मंडी प्रशासन द्वारा इस अनियमितता पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और गरीब मजदूर मंडी तुलावटी पल्लेदारों खुलेआम शोषण करने वाले व्यापारियों को खुला संरक्षण दिया जाता है। मंडी प्रशासन के इस कदम से तुलावटी पल्लेदारों में आक्रोश है और अभी पल्लेदार अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पल्लेदारों एवं किसानों को बैठने एवं पानी की नहीं है व्यवस्था। इंदरगढ़ कृषि उपज मंडी में किसानों और पल्लेदारों को बैठने एवं पानी पीने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नल में टोटियां लगी हैं लेकिन पानी नहीं आता है। पल्लेदारों के विश्राम करने के लिए बनाया गया कक्ष व्यापारियों के कब्जे में है। पल्लेदारों का कहना है कि मंडी प्रबंधक शाह पर व्यापारियों के द्वारा विश्राम कक्ष में अपने अपने बारदाना रखा हुआ है। कई बार मंडी सचिव से विश्राम कक्ष खाली कराए जाने का अनुरोध किया गया लेकिन मंडी प्रशासन ने विश्राम कक्ष खाली नहीं कराया। संवाददाता शिवरमन सिंह की रिपोर्ट। सुरेंद्र साहब, क्या पानी आने की या बैठने की व्यवस्था क्या है आपकी? बैठने पे पानी की तो कुछ नहीं है साहब, दिन का तो पानी आता है लेकिन 8 बजे के बाद पानी बंद हो जाता है, टंकी से कोई पानी नहीं आता है। कहाँ से भरते हो? हेडपंप पे जाते हैं भरने के लिए। और तुम्हारे ये एक बैठने की जो यहाँ बनाई प्रशासन ने उस पे किसका कब्जा है, क्या भरा है उसमें? उसमें तारा लगा रहता है, हमारे लोग कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। पल्लेदार रूम है ना वो आश्रम पल्लेदार जो भी, जब तुम लोग बारदानो वारदानो भर रहे तो कोई सीट लोग घेरे हुए इसको, वो भी वहाँ में भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मतलब पल्लेदार तुम लोग को लिए ना तो पानी की व्यवस्था ना बैठने की, ना बैठने की, धूप में बैठे रहते हैं। तो जब आप लोगों को नहीं मिले तो किसानों की स्वभाव है कि उनको भी नहीं होगा कुछ। और क्या, हमारा रामेश्वर नाम है। क्या आप लोगों ने हड़ताल किस वजह से की है, क्या कारण था? हमने इसलिए हड़ताल की है कि किसान पे 20 रुपया क्विंटल कट रहा है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि 20 रुपया क्विंटल हमको मिलना चाहिए। जब किसान से 20 रुपया क्विंटल कट रहा तो 20 रुपया क्विंटल हमको क्यों नहीं मिल रहा है? अगर 20 नहीं दे रहा हमको 18 रुपया भी क्विंटल मिल जाए उसमें भी हम संतुष्ट हैं मान के चलो। तो व्यापारी किसानों से 20 रुपये ले रहे? हाँ, व्यापारी भी किसानों से 20 रुपया क्विंटल काट रहे वो अभी, और हमको 13 रुपया क्विंटल दे रहे। 13 रुपये पाले वगैरह का, पाले माले का कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने पे ये सूचना कब दी थी हड़ताल की? क्या तारीख थी? बुधवार को। तो पूरी यूनियन हड़ताल पर है? हाँ, पूरी यूनियन। जब तक आपकी मांग नहीं पूरी नहीं होती जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। अच्छा, हड़ताल काम बंद रहे? हाँ, काम बंद रहे। अम्बाल अपनी उनकी दरें बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं और इनकी दरें 2020 में बढ़ाई गई थी 11वें महीने में नवंबर में, और इनका जो 3 साल का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाई गई थी, जो 11 नवंबर 23 में पूरा होगा, उसके पहले इनके द्वारा मांग की जा रही है। क्योंकि मांग जो है इनकी जायज़ नहीं है, क्योंकि दतिया ज़िले में सबसे ज़्यादा दरें यहाँ इंदरगढ़ के अम्बालों को मिल रही है। तो मैंने दोनों मंडियों के वो प्रपत्र बुला लिए हैं, दतिया मंडी का भी और भांडर मंडी का भी, सबसे ज़्यादा दरें इन्हीं को मिल रही है। अम्बालों का आरोप है कि व्यापारियों की और मंडी प्रशासन की मिली भगत से किसान जो है किसानों से 20 रुपये प्रति क्विंटल लिया जा रहा है, 13 रुपये नहीं लिया जा रहा है, इसके अलावा बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। कोई किसान ने ना किसी अम्बाल ने इस कार्यालय में आके शिकायत की, अगर इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई मैं तत्काल लाइसेंस सस्पेंड कर दूँ। मीडिया के सामने ने एक आरोप और लगाया है कि मंडी प्रशासन की मिली भगत से 2 रुपये मंडी, वो जो है सरासर गलत है, वो सरासर इसका कोई एविडेंस है तो जो कोई लाके पता नहीं। किसानों ने भी ये आरोप लगाया कि धर्म कांटे पर जिस तरीके से तौल की 25 रुपये द्वारा दिया गया है, द्वारा सेंक्शन किया गया है, और इसकी भी शिकायत अगर आती है तो हम इसका जो है जो अनुबंध नष्ट करते हैं। 25 रुपये की जगह 30 रुपये लिए जा रहे हैं, 25 रुपये की रसीद दी जा रही है। इस टाइप का जो है हमारे पास लिखित में कोई एविडेंस किसी जो व्यापारी या किसी किसान ने प्रस्तुत नहीं किया। किसानों और मजदूरों को पानी की व्यवस्था, पानी की पर्याप्त से नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था है। मेरे मंडी ऑफिस में वाटर कूलर लगा हुआ है, जगह जगह मैंने प्याऊ बनवा रखे हैं, प्याऊ का भी मैंने ठेका दिया है, और जो है एक आदमी जो है कल से और पानी पिलाना उसने चालू कर दिया है, और वो विधिवत पानी की भरपूर व्यवस्था। मैं ट्यूबवेल यहाँ करती, जब मैं यहाँ प्रदेश का तब यहाँ ट्यूबवेल तक नहीं था, टैंकरों से पानी बुलाया जाता था।